हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन नॉवल सराउंडिंग्स का सॉल्यूशंस को करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक में और बुक के एक्सरसाइज के, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेयर, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से कौन कौन से मैटर हो सकते हैं? तो जब आप मैटर की डेफिनेशन अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास एंड वॉल्यूम, दे हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कोई मैटर वो होता है जिसका कुछ न कुछ वजन होता है या कोई जो जगह घेरती है। तो हम ऑब्वियसली जानते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। एयर हो सकती है, एयर हो सकती है, बट लव नॉट, लव इज इन द सेंस। एंड स्मेल, स्मेल इज सेंस, सो स्मेल इज नॉट। हेट दिस इज ए फीलिंग, सो इट इज नॉट मैटर। आलमंड्स, यस। थॉट, दिस इज नॉट मैटर। कोल्ड, इट्स ए सेंस। कोल्ड ड्रिंक्स, yes, smell of perfume, then smell of perfume also matter. This one is it. Chair, air, smell, almond, cold drink and smell of perfume are matter. Chair and almond solid, cold drink is liquid, air and smell of perfume gas. हम जानते हैं मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट अ मैटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर। सो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर सेकंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, है ना। जब कोई गर्म खाना होता है, हॉट सीजलिंग फूड, स्मेल हमारे पास कुछ मीटर दूर तक भी आ जाती है। लेकिन जब हमें कोल्ड फूड, जो ठंडे खाने की स्मेल अगर लेनी है, तो हमें उसके क्लोज जाना पड़ता है, मतलब उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली जब हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तब हमने ये समझा था कि मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैव अ काइनेटिक एनर्जी एंड मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर नॉट इन रेस्ट स्टेज। सो वैन टेम्परेचर इज राइज, जब टेम्परेचर गर्म होगा तब क्या होगा, तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे, और वो फास्टली मूव करेंगे तो हम वो कुछ मीटर्स दूर तक भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आंसर देखते हैं हम क्या है। आंसर ये है, हॉट सीजलिंग फूड हैज टेम्परेचर हायर देन कोल्ड फूड, ठीक है। हॉट फूड का टेम्परेचर कोल्ड से ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट ऑफ पार्टिकल इज वेरी फास्ट, है ना। तो टेम्परेचर जब हाई होगा तो जो उसका मिक्स होने की रेट है, डिफ्यूज होने की, दूसरे मैटर में डिफ्यूज होने की रेट है, वो भी फास्ट होगी। तो जो सॉलिड फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में फास्टली डिफ्यूज होंगे। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज अस फ्रॉम सेवरल मीटर अवे, इसके कारण जो स्मेल है फूड की वो कुछ मीटर अवे तक हमारे तक पहुंच जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन, है ना। एक डाइवर जब डाई लगाता है पानी में, स्विमिंग पूल में, तो उसको पानी को काट सकता है, वो इससे मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? तो हम जानते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में है फिर भी पार्टिकल्स बाउंडेड है एक दूसरे से, इंटरफोर्स अट्रैक्शन है उनके बीच में, और क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड में क्या है, एंड इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है इसमें, तो इसके कारण वो जो डाइवर है वो उस पानी को स्विमिंग पूल में काट सकता है,
हम देखते हैं आंसर. आंसर इट सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ काइंड ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन देम. पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में एक तरह का फोर्स वर्क कर रहा होता है. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर टिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो इस फोर्स के कारण ही पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से साथ में जुड़े हुए रहते हैं जब तक कि कोई बाहरी फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाए. व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप जानते ही हैं. सबसे पहला तो क्या है कि मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स से बना है, कंटिन्यूसली मूविंग है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो देखते हैं आंसर. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आज इज फॉलो. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मोशन में होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्टिव फोर्स, और उनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स जो एक दूसरे को जोड़े रखता है. तो ये है इसके करैक्टरिस्टिक्स. अगला प्रश्न, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी क्या है, घनत्व जिसको बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम है. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. अब डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है. एयर को एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड अन. यहाँ पहले डेंसिटी को समझ लें कि वॉट इज द डेंसिटी, घनत्व जिसको बोलते हैं. तो वॉल्यूम से भी तुम समझते हो कि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम है वो कितनी जगह उसने घेर ली है, उस जगह को बोलते हैं वॉल्यूम, उसमें कितना एरिया है. तो उस वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, तो समझ ले वन बाई वन का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास है. मास का मतलब उसका द्रव्यमान, जिसको हम इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, उसमें उसके कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना. तो अगर उस पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैटर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, पर यूनिट वॉल्यूम में वन बाई वन के कम है, तो उसकी डेंसिटी कम है, और अगर ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. और यदि पर यूनिट वॉल्यूम में उसके पार्टिकल्स या जो मैटर एटम्स की बात करते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो हैवी होगा, और जब वो कम है तो ऑब्वियसली वो हल्का होगा. तो इसमें जो डेंसिटी है सबसे कम किसकी होगी, हम जानते हैं ऑब्वियसली सबसे हल्का इसमें कौन है, एयर. और सबसे भारी कौन होगा, आयरन. तो हम इसको देखते हैं. अरेंजिंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाला धुआं, उससे ज्यादा वजन में है कॉटन, कॉटन से ज्यादा वाटर, वाटर से ज्यादा हनी, हनी से ज्यादा चौक, चौक से ज्यादा आयरन. इस प्रकार से ये ऑर्डर होता है. नेक्स्ट है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर के जो डिफरेंस है उनको आपको डिफरेंस बताना है टेबल बनाकर. तो पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, वीडियो बनाया उसमें, अब आप वापस देख लेते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसके एक एक जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेते हैं. सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं, तो रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी को देखते हैं. देन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो रिजिड है. रिजिड मीन्स वो अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो उसका शेप है वो उसको बनाए रखना चाहते हैं. तो वो जो प्रॉपर्टी है ये आती है सॉलिड की. पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकम्प्रेसिबल. अनकम्प्रेसिबल मतलब उसको छोटे वॉल्यूम में नहीं संकुचित किया जा सकता है. दूसरा, लिक्विड की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स आर नॉट रिजिड. पार्टिकल्स हैं वो रिजिड नहीं है, मतलब वो अपना शेप जैसा है वो बनाए नहीं रखता है, फ्लो होता है लिक्विड, बट कैन बी कंप्रेस्ड इनटू लिमिटेड एक्सटेंट.
लेकिन उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं उसको, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते। गैस की बात करते हैं तो पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल रिजिड, पार्टिकल्स बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, मतलब उसका कोई शेप नहीं हो सकता, एंड कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, और उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते, मतलब लार्ज वॉल्यूम में फैली हुई गैस को एक स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है ना, अब हम इसके सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड, सॉलिड के बारे में, इट पॉजेस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, शेप वॉल्यूम उसका निश्चित होता है, चेंज नहीं होता, एंड तब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड की बात करते हैं, दे हैव ओनली अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट है, मतलब निश्चित है कि वो कितनी जगह गिरेगा, 1 लीटर गया तो 1 लीटर में ही आएगा, बट एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, है ना, वो उसी शेप में, शेप के हो जाएंगे जिसमें, जिस कंटेनर में वो डाले गए हैं। ठीक है, इसका कोई लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैसेस, गैसेस में ना तो शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अगला सॉलिड की बात करते हैं, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो नहीं कर पाते, और फ्लो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं हो पाता, जब तो मूवमेंट नहीं होगा तो फिर वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, और मूवमेंट होने का जो प्रॉपर्टी है वो किस में है, लिक्विड एंड गैसेस में। तो लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन वो सॉलिड से कम है, गैस से ज्यादा है। लिक्विड की बात करते हैं, दे कैन इजिली फ्लो फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल, और उनका फ्लो जो होगा वो हायर लेवल से लो लेवल की ओर होगा, लोअर लेवल की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर इसका फ्लो होता है। गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के जो फ्लो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, सभी डायरेक्शन में गैस बहती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉलिड के, साल्ट, शुगर, चॉक, गोल्ड, सिल्वर, और लिक्विड वाटर, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, गैसेस के, एयर, सीएनजी, एक्सेट्रा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ये सब क्या है, इनकी एक एक डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले रिजिडिटी की बात करते हैं, रिजिडिटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, तो शेप को मेंटेन रखने की ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है जिसमें उसका आकार निश्चित रहता है, इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क एंड द सॉलिड शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी कौन बताता है, सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होना, लार्ज लार्ज वॉल्यूम से डिक्रीज होकर स्मॉल वॉल्यूम में आना, इट इज अ प्रॉपर्टी टू ऑफ मैटर टू अलाउ डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में घटना, उसकी जगह है ना वो कम जगह पर अपने आप को, तो ये कब होता है, जब अंडर हाई प्रेशर दब दिया जाता है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन बताता है, गैस है, गैसेस शो दिस प्रॉपर्टी। फ्लूडिटी की बात करते हैं, फ्लूडिटी मतलब उसका बहने के गुण, फ्लो होने, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू इजिली फ्लो, इजिली वो फ्लो होता है, एंड अलाउ चेंज इन इट्स शेप, इसके कारण फ्लूडिटी के कारण उसका शेप है ना वो चेंज होता रहता है, शेप बदलता रहता है अंडर एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय बोथ लिक्विड एंड गैस, तो ये शेप चेंज होना और फ्लूडिटी एंड बहने का गुण किसका है, लिक्विड और गैस दोनों का। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस मैटर इज नोन एज ए डेंसिटी, है ना, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना उसका द्रव्यमान है, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, वो उसकी डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम 1/1 में, अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कम मॉलिक्यूल्स है तो डेंसिटी, और डेंसिटी से वो ज्यादा डेंसिटी होगी तो वो हेवी होगा, भारी होगा, और डेंसिटी कम है तो वो क्या होगा,
फिलिंग गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिलिंग करने की प्रॉपर्टी, गैसेस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है ये, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड है। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, हमें पता ही है कि गैस गैस ही वो है जो हायर कंप्रेसिबिलिटी दे सकता है, मतलब कंप्रेस इजीली हो जाता है, एज दे कैन बी फिल्ड विथ इन ए वेसल एट हाई प्रेशर। तो किसी भी वेसल के अंदर हाई प्रेशर से उसको भरा जा सकता है, जैसे सी एन जी गैस, एल पी जी गैस, इनके जब सिलेंडर्स आते हैं तो ये सिलेंडर का एक वेसल है, उसमें हाई प्रेशर से ये गैसेस भरी होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस अलाउ देयर कन्वीनियंट फिलिंग इन टू ए स्मॉल कंटेनर। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही वो एक स्मॉल कंटेनर के अंदर या फिर सिलेंडर के अंदर उनको भर देते हैं। ये लार्ज वॉल्यूम की गैसेज होती है जो स्मॉल वॉल्यूम में भर ली जाती है। इट ऑल्सो अलाउ, और इसके कारण क्या होता है, अलाउ देयर इजी ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह पे इन गैसों को लाना ले जाना इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम सेप की बात करते हैं। व्हाट इज द सेप? सेप सेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के ऊपर, है ना। तो पार्टिकल्स जिस हिसाब से एक दूसरे को स्ट्रांगली अपने आप से एक दूसरे से बॉन्डेड करके रखते हैं तो उसके कारण सेप डिटरमिनेंट होता है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर के हिसाब से ही सेप डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल्स के लोकेशन के हिसाब से ही हर मैटर का अलग अलग शेप होता है। लाइक सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, है ना। सॉलिड का शेप कैसा होगा? डेफिनेट होगा। व्हाइल लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ देयर कंटेनर, एंड गैसेस एज इट डोंट हैव द शेप नहीं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही सारा प्रॉपर्टी बताते हैं मैटर। काइनेटिक एनर्जी वो उसकी वो एनर्जी है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं ना। तो पहले ही बात की थी कि पार्टिकल्स का ये करेक्टरिस्टिक्स होता है कि पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ मोशंस, वो कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में होते हैं, मूव करके रहते हैं। तो वो मूवमेंट के कारण उसमें इनमें जो एनर्जी फिलअप होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट भी क्या होगा, फास्ट होगा। पढ़ते हैं कि इट इज द काइंड ऑफ काइनेटिक, इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अंडर मोशन, जब वो मोशन के अंदर होता है, गति कर रहा होता है। एज द पार्टिकल ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, मूव करते हैं। देयरफॉर मैटर हैज काइनेटिक एनर्जी। हाउएवर ग्रेटर इज द मोमेंट मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा। तो ये समझ में होगा, आगे होगा आपको काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी उसके मूवमेंट की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके मूवमेंट भी क्या होगा, फास्ट होगा। और ये हम जानते हैं कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही कम होता है तो फिर सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, और गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो फिर गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत। आगे रीजन देना है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट, है ना। तो गैस उस वेसल के अंदर कंप्लीटली पूरी तरीके से भर दी जाती है जिसके अंदर उसको गैस को रखा जाता है। वैसे अगर किसी कंटेनर या वेसल के अंदर लिक्विड को भरते हैं तो लिक्विड सबसे पहले बॉटम एरिया से भरना शुरू होता है और कंप्लीटली फिलअप होता है, तब जाके ऊपर पूरा सिलेंडर या वेसल भरा जाता है। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं है, जितने भी गैस डालो वो गैस उस वेसल के अंदर कंप्लीटली भर जाएगी। कारण बिकॉज गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली मूव करते हैं तो उनका कोई एक डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो पूरे कंटेनर, पूरे वेसल के अंदर वो फैल जाएंगे और उसको। Answer is that the attraction force between particles of gas is negligible, है ना। Attraction force क्या है, बिल्कुल नहीं है, negligible है। Then particles freely move, flow in all possible directions, सभी possible direction में freely करते हैं। As a result, gas fills completely the vessel in which it is kept. A wooden table should be called it solid. Wooden table को solid क्यों कहते हैं, liquid क्यों नहीं कहते हैं? Obviously हम जानते हैं कि wooden table is a definite shape and volume. And definite shape and volume किसकी property है? Solid की. Solid के particles move नहीं होते हैं, है ना? तो इसके कारण उसको
इसको वुडन टेबल को सॉलिड कहा जा सकता है। तो आंसर हम देखते हैं, आंसर द वुडन टेबल पार्टिकल्स आर क्वाइट रिजिड, क्वाइट रिजिड होते हैं, वो अपने शेप चेंज नहीं करते एंड हैव ए फिक्स्ड वॉल लोकेशन, पार्टिकल्स की लोकेशन भी फिक्स्ड होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टी वी शुड कॉल ए वुडन टेबल ए सॉलिड सरफेस। ओके नेक्स्ट, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर, है ना, हम एयर में तो अपना हाथ आसानी से मूव कर पाते हैं, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। जब हम सॉलिड वुड के ब्लॉक की बात करते हैं तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है उसको काटने के लिए, उसमें से हाथ घुमाने के लिए। एयर में हम इजिली मूव कर पाते हैं, वाई, बिकॉज सीधी सी बात है कि एयर के पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, उनके बीच में लार्ज स्पेस है, तो लार्ज स्पेस और वो पार्टिकल्स भी मूव करते हैं तो हम उसके अंदर आसानी से हाथ को मूव कर सकेंगे, हैंड को इजीली मूव कर सकेंगे। बट वुड के पार्टिकल्स रिजिड हैं, वुड सॉरी वुड के पार्टिकल्स मूवमेंट में नहीं होते हैं और लिटिल स्पेस होता है बीच में, इसलिए उसमें से पार्ट अपने हैंड को मूव नहीं कर पाते, करेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आंसर देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज हार्ड एंड रिजिड एंड हैज लिटिल स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल। सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हार्ड है, रिजिड है और स्पेस में क्या है, लिटिल, जबकि एयर में स्पेस कितना, लार्ज स्पेस। इसी कारण हैंस वी नीड ए कराटा एक्सपर्ट इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक। अगले प्रश्न बाद में, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर, तो गैस है ना वो वॉल कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्यों डालती है ना, जब कोई लिक्विड को हम भरते हैं तो वो इतना प्रेशर नहीं डालती इतनी, हालांकि लिक्विड का भी प्रेशर होता है लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे गैसेस का होता है। गैसेस क्या करती है, गैस मूवमेंट करती है, उसके पार्टिकल मूव करते हैं और पूरे वेसल के अंदर कंटेनर के अंदर भर दिए जाते हैं। अब उसके बाद में वो क्या करते हैं, वो रेस्ट स्टेज में तो होते नहीं है, वो कंटिन्यूसली उसकी वॉल पर टकराते हैं, है ना, हिट करते हैं उसकी वॉल को, और हिट करेंगे तो हिट करने से वो क्या करते हैं, वॉल पर क्या डालेंगे, प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बस इसी कारण कंटेनर पे गैस के कारण प्रेशर पड़ता है। तो आंसर देखते हैं, फ्रीली मूविंग पार्टिकल ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर कंटिन्यूसली एंड रैंडमली, है ना, कंटिन्यूसली और रैंडमली वो हिट करते हैं कंटेनर की वॉल पे। देयरफॉर सच रैंडम एंड इरेटिक मोशन ऑफ गैस पार्टिकल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, इस प्रकार जो रैंडमली और इरेटिक मोशन होता है गैस का, गैस पार्टिकल्स का, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होकर चारों डायरेक्शन में होता है और वो हिट करते हैं वॉल पर और इससे वॉल कंटेनर की वॉल पर प्रेशर। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, है ना, लिक्विड की जनरली लोअर डेंसिटी होती है कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, हाँ यहाँ बात करते हैं कि आइस क्या है, आइस सॉलिड है लेकिन वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, मतलब तैरता है, जबकि क्यों, जबकि ये तो पता है जब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो उसका वजन भी ज्यादा होगा और वो बॉटम में बॉटम साइड जाएगा, है ना, और जो हल्का होगा वो ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ बात करते हैं आइस एंड वाटर की, तो आइस फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई आंसर इज दैट आइस क्या करता है कि जब वाटर आइस स्टेज में कन्वर्ट होती है, वाटर आइस में बदलता है, उसमें लार्ज स्पेस बनता है बीच में पार्टिकल्स के बीच में, उसी स्पेस बनने के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, है ना, आइस बनाने के लिए पानी जब जमता है, सम एम्प्टी स्पेस आज क्रिएटेड, खाली जगह बीच में छोड़ देता है, एज ए रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज, खाली जगह बीच में छोड़ दी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है ना, तो उसी मास यानी उसी मास के वाटर की कंपेयर में इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ होगा। इन अदर वर्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर
देन दैट ऑफ वाटर, है ना। तो पानी से आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर से आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने का मतलब है कि वो फ्लोट करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे केल्विन में दिया गया है, 300 केल्विन मींस 300 डिग्री केल्विन एंड 573 डिग्री केल्विन। ये जो केल्विन के टेम्परेचर है इसको सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम जानते ही हैं कि 273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है उसका, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो केल्विन में जितना केल्विन का मान दे रखा है उसमें से 273 को माइनस कर देना है ना? जब सेल्सियस में बदलना हो केल्विन को तब 273 माइनस कर देना, और जब सेल्सियस दिया हुआ हो और केल्विन में बदलना हो तो 273 को प्लस करना, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि 300 केल्विन माइनस 273 तो कितना हो जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड में 573 माइनस 273, 300 डिग्री सेल्सियस। अगला, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड लिक्विड या गैस? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब वाटर को जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वो बॉयल होता है। 100 डिग्री से ऊपर, अब वाटर का तो 100 डिग्री तक ही रहेगा, उससे ऊपर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 से मोर देन है, ज़्यादा है, तो वो सारी स्टेट गैस कौन सी होगी, गैसेस। जब 100 डिग्री की बात करते हैं तो 100 डिग्री पे वो स्टेज चेंज करता है वाटर से वेपर में, तो इस स्टेट पर दोनों, इस स्टेज पर दोनों स्टेट रहेगी, लिक्विड भी रहेगी एंड गैस स्टेट। एंड आंसर इज दैट 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देयरफॉर एट 250 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर हायर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट से 250 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है ना, तो इट्स गैसेस। 800 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट बोथ लिक्विड एज वेल एज गैस। अगला, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है, मतलब निश्चित कैसे रहता है जब स्टेट चेंज हो रही हो। स्टेट चेंज होने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है या फिर लिक्विड से गैस में बदल रहा है, इन दोनों पोजिशन में यानी जो भी हो, इन सॉलिड लिक्विड और गैस की जो स्टेट है ये आपस में चेंज हो रही होती हो, उस समय टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है। पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है जैसे हम बॉइलिंग कर रहे हैं बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर फिक्स रह जाता है, और जबकि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं लेकिन एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये क्यों होता है। तो हम ये जानते हैं, पहले पढ़ा भी था चैप्टर में, कि लेटेंट हीट की बात आती है। लेटेंट हीट वो होती है जो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वो लेती है, ठीक है ना। उसके कारण वो, अब जैसे सिंपली हम एक एग्जांपल देते हैं कि जो वाटर है, वाटर को, पानी को आइस की बात करते हैं, आइस को जब मेल्ट करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस मेल्ट होकर जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है तब उस समय उस स्टेज पर, है ना, वो कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट। उस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अब जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या काम आ रही है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आ रही है, तो इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, ठीक है ना। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि वो एनर्जी वो यूज ले रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इसी तरह से वाटर से वाटर वेपर बनता है तब भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो एनर्जी यूज आ जाती है और उस स्टेज पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। हम एनर्जी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उसका ये रीजन है। तो इसको देखते हैं,
ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट द हीट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो जिस स्टेट चेंज हो रही होती है उस समय जो हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मैटर रिमेन कांस्टेंट। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस। एटमोस्फेरिक गैस को कैसे हम लिक्विफाइड करेंगे उसको सजेस्ट करें। तो कैसे लिक्विफाई करेंगे गैसेस को? ऑब्वियसली टेम्परेचर को बहुत कम कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो। तो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द एटमोस्फेरिक गैस। नेक्स्ट, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? हॉट ड्राई डे पर डेजर्ट कूलर है ना वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, किस किस कारण वो ज्यादा ठंडा महसूस कराता है? तो इवेपोरेशन से संबंधित ये घटना है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाष्पीकरण जिसको, उसमें क्या होता है वाटर है ना वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, यानी कि वाटर से वाटर वेपर बन रही है। तो जब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी ले रहा है, वो अपने सराउंडिंग से वो ले लेता है, यानी जहाँ अपने आसपास से वो एनर्जी यूज लेता है। अब जो आसपास से वो एनर्जी लेता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तो सराउंडिंग की एनर्जी तो कम हो गई, उनका टेम्परेचर तो कम हो गया, इसी कारण वो सराउंडिंग क्या हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट। So answer is that on hot dry day, the temperature of the atmosphere is high and humidity of air is low. तो इसको समझना है कि hot dry day पर ये दो factor काम कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है कि एक तो high temperature है और humidity low है, दोनों जरूरी है। तो humidity low है इसका मतलब क्या है, humidity low का मतलब है कि air में water vapor की जो है वो उसकी मात्रा कम है, यानी वाटर वेपर का अमाउंट एयर में कम है। वाटर वेपर कम होगा तो एयर क्या करेगी, उसकी जो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, और वाटर वेपर ज़्यादा रहेगा मतलब ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, तो फिर एयर क्या करेगा कि वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम रखेगा। तो ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जितनी रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगी यानी कि वाष्पीकरण क्षमता वेपराइज होने का जो रेट है वो ज्यादा होगी, तो वेपोरेशन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो वो सराउंडिंग से एनर्जी भी ज्यादा लेगा और वो उसको ज्यादा ठंडा करेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दिस मेक द सराउंडिंग अपने आसपास सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन ए अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? अर्थन पॉट या मटका में वाटर किस प्रकार से ठंडा रहता है गर्मियों में, क्यों ठंडा रहता है? ड्यूरिंग समर्स, अब हम जानते हैं कि जो कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इवेपोरेशन रेट पर, यानी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो फिर वो क्या करेगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होने से वो जो अपने जो स्टेट चेंज होने की पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ब्रेक होता है तो उसकी एनर्जी सराउंडिंग से लेता है, और उसकी एनर्जी सराउंडिंग से लेता है मतलब आसपास से लेता है, तो वहाँ की एनर्जी को यानी उसके टेम्परेचर को लो कर देता है और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी मटका में भी होता है, क्यों मटका या फिर अर्थन पॉट में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्मॉल पोर्स से वाटर बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसकी कांटेक्ट में आता है और एयर के कांटेक्ट में आता है, और वहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आकर वो वेपोराइज होता रहता है, और वेपोराइज होता रहता है मतलब इवेपोरेशन होता है, और उससे वो क्या करता है कि अपने जो अंदर का पानी है, अंदर के वाटर है, उससे
टेम्परेचर लेता है, हीट देता है, और अंदर का जो वाटर है वो कूल होता जाता है। तो ड्यूरिंग समर देर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पॉट, है ना, अर्थन पॉट पर कुछ पोर्स होते हैं थ्रू विच द वाटर इन साइड द पॉट इवेपोरेट। तो उस पोर्स के द्वारा ही जो अंदर का वाटर है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। द वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थन पॉट इवेपोरेट विच कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट, है ना। जो अर्थन पॉट के सर्फेस के ऊपर जो पर जो वाटर है वो भी इवेपोरेट होगा और इससे भी ठंडा या कूलिंग इफेक्ट होगा। इवेपोरेशन ऑकर्स कंटिन्यूसली, और ये जो इवेपोरेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अब हम जानते हैं कि ये जो एसीटोन है, पेट्रोल है, और या फिर परफ्यूम की बात करते हैं, वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, उनके वेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। तो हम इसको पढ़ते हैं, सम लिक्विड गेट्स क्विकली वेपराइज, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स, इनको वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। अब वो वेपोरेशन बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा, तो जो फास्ट वेपोराइज होगा तो वो क्या करेगा कि वेपोराइज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, तो फिर हमने पहले भी समझा कि जब स्टेट चेंज होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, अपने सराउंडिंग आसपास से। तो जो हथेली पर लगा हुआ है, अपने पाम पर जो एसीटोन है, तो अपने वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो अपने पाम की सरफेस के ऊपर से लेगा। तो हम इसको पढ़ते हैं कि एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम आर ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड्स, ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द पाम टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉज कूलिंग। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सर सर वेदर देन ए कप, है ना। सर सर जो तस्तरी के समान होता है उसके बजाय उससे हम क्यों गर्म चाय और मिल्क को अच्छे तरीके से पी पाते हैं वेदर देन ए कप, है ना, कप के बजाय। तो हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि सर और कप में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। सर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है ना, चौड़ा होता है ना तस्तरी के समान, तो सरफेस एरिया बढ़ना उससे क्या समझे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर इवेपोरेशन रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, क्योंकि ये एक सरफेस की घटना है ना। जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ही क्या होता है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एयर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की जो कैपेसिटी होती है वो सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर ही होती है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही वो क्या करेगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ेगी, और इवेपोरेशन रेट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो अपने से सराउंडिंग से ले गया, मतलब जो हॉट टी या मिल्क है उनके जो मॉलिक्यूल्स जो वेपोराइज हो रहे हैं वो अपनी एनर्जी उसी टी और मिल्क से ही लेंगे, तो फिर वो टी और मिल्क क्या हो जाएगा, वो कूल होगा, ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं, आंसर है ससर हैज ए बिगर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू कप, है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है कप के कंपेयर में। सिंस इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनम, इवेपोरेशन एक सरफेस की घटना है, बाय यूजिंग ए ससर इंस्टेड ऑफ कप वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हम क्या कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं फॉर इवेपोरेशन टू ऑकर। और फास्टर इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ टी और मिल्क, जो टी और मिल्क के पार्टिकल की इवेपोरेशन फास्ट होगी, अलाउ कूलिंग एंड टेकिंग ए सिप बिकम ईजियर, तो ठंडा जल्दी होगा और हम आसानी से उसको सिप कर सकेंगे, मतलब पी सकेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, है ना, किस प्रकार के सिंथेटिक क्लोथ पहनने चाहिए, कॉटन के पहनने चाहिए, किस प्रकार के पहनने चाहिए। वैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखे या फिर कूल करे, है ना। समर है, समर में हॉट डेज होंगे, गर्मियाँ ज़्यादा होगी, है ना, तो उसमें कूलिंग इफेक्ट दे वैसे क्लोथ पहनने चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे बेस्ट है उसके लिए कॉटन क्लोथ्स। तो हम देखते हैं, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर,
कॉटन क्या करता है, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर देता है अपने अंदर, सोख लेता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉटन क्लोथ्स हम पहनेंगे तो गर्मियों में हमें स्वेट आएगा, पसीना आएगा, तो उस स्वेट को कॉटन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके एयर में वेपोराइज कर देगा, और वेपोराइज करेगा तो दो घटना होती है, एक तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, दूसरे एवेपोरेशन हो रहा है। एवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है ना। हैंस इट एब्जॉर्ब स्वेट क्विक वेल एंड पोर्स इन द फैब्रिक, जो कपड़ा बनता है फैब्रिक के अंदर जो छेद होते हैं पोर्स, एक्सपोज दैट स्वेट टू ईजी इवेपोरेशन, तो उस छेद से क्या होगा, वो जो इवेपोरेशन होगा वो ईजिली होगा। हैंस वी शुड प्रिफेयर वेयरिंग कॉटन क्लोथ इन समर, तो हमें कॉटन क्लोथ्स को है ना प्रिफेयर करना चाहिए समर में। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, बदलना है उनको सेल्सियस में, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना चाहिए, 273 को माइनस कर देना चाहिए। तो 293 में से 273 को माइनस करें, कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड 470 में से 273 को माइनस करें 197 डिग्री सेल्सियस। सेकंड कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन केल्विन, सेल्सियस है इसको केल्विन में बदलना है तो 273 क्या करना है, प्लस करना है, तो 273 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन, सेकंड उसका 273 प्लस करेंगे तो 646 केल्विन। रीजन बताना है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला नेफ्थलिन बॉल डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग इन दिस सॉलिड, तो नेफ्थलिन बॉल्स क्या होगी, वो अपने आप ही वो क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वो पीछे कोई सॉलिड को नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है, आंसर ये है कि सम सब्सटेंस पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, कुछ सब्सटेंस सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी करते हैं, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी वो करते हैं जो क्या करते हैं कि सीधा ही गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, यानी सॉलिड टू सीधा गैसियस स्टेट, तो वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है। और वो कौन कौन करते हैं, कैम्फर करते हैं, नेफ्थलिन बॉल्स करते हैं। सच सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग into liquid. Therefore, naphthalene ball disappear. इस प्रकार naphthalene ball disappear हो जाती है with time without laying any solids. So, it is the right answer. We can get the smell of perfume sitting several meter away. हम है ना इस perfume की smell कुछ meter दूर पर भी हम ले सकते हैं. तो इसका reason मैंने पहले ही भी बताया. इसका reason यही है कि जो perfume है वो क्या है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है, इसका मतलब वो क्या करेगा, वो जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा, जल्दी से वेपोराइज हो जाएगा तो फिर इसकी स्मेल जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाएंगे, एयर में मिक्स होकर वो दूर तक सेवरल मीटर दूर तक आ जाएंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट के कारण। बीइंग वॉलेटाइल सब्सटेंस गेट्स इवेपोरेट ईजिली, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस उसे कहते हैं जो इवेपोरेटेड ईजिली हो जाते हैं। परफ्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट वेरी फास्ट, परफ्यूम लाइक स्टेट में वेरी फास्ट चेंज होता है। दोज पार्टिकल मिक्स अप विद एयर पार्टिकल्स एंड डिफ्यूज टू रीच आवर नॉस्ट्रिल सच दैट वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, समझिए इसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस एयर में साथ जल्दी ही मिक्सअप हो जाते हैं और एयर में मिक्स होकर उसमें घुलकर डिफ्यूज होकर वो हमारे नॉस्ट्रिल्स हमारे नाक तक आसानी से पहुंच जाते हैं, कुछ मीटर दूर तक वो पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, बढ़ते हुए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे हो सकता है, वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन, तो तीनों के बारे में देखते हैं। वाटर क्या है, कौन सी स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, शुगर शुगर सॉलिड स्टेट है एंड ऑक्सीजन गैस स्टेट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले भी बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को, फिर वाटर को और फिर शुगर को। फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की इस टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेल्सियस
जीरो डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ये मोर देन जीरो डिग्री सेल्सियस पे है, जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे वो सॉलिड में हो जाता है। तो 25 पर वो कैसा होगा, वो ऑब्वियसली हम लिक्विड स्टेट में ही होगा। जीरो डिग्री सेल्सियस पे बोथ स्टेट में हो सकता है, आइस एंड वाटर, एंड 100 पे भी बोथ स्टेट पे में हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड आइस, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस। टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इट अ लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड क्यों होता है। तो रूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे बिलो टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, वो लिक्विड स्टेट होगा। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज एट दिस टेम्परेचर इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कैन फ्लो। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता आयरन अलमीरा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होगा, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट से बिलो है तो फिर वो कैसा होगा, वो सॉलिड होगा। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट इज टेम्परेचर इट हैज डेफिनेट शेप अलॉन्ग विद फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इट कैन नॉट फ्लो लाइक वाटर एंड हैज डज नॉट पॉजिस फ्लूडिटी। तो इसका रीजन यही है कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे होता है तो वो सॉलिड ही रहेगा। वाई इज आइस एट 270 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो 270 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस। तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे आइस कूलिंग ज़्यादा क्यों करता है, मोर इफेक्टिव क्यों है वाटर से। तो इसका रीज़न यही है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो कन्वर्सन होता है, स्टेट ऑफ चेंज होती है, स्टेट ऑफ चेंज होने पर वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से, इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसको हम देखते हैं, वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है वो कहाँ से लेगा, लेटेंट हीट मैंने पहले भी बताया, लेटेंट हीट किसे कहते हैं, वो एनर्जी जो बिना टेम्परेचर बढ़ाए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब की जाती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। तो वो लेटेंट हीट कहाँ से ली जाती है, सराउंडिंग से, अपने आसपास से, एंड गेट चेंज इनटू वाटर दैट मेक्स द कूलिंग इफेक्ट मोर इंटेंस एज कम्पेयर टू वाटर। तो उस पानी से आइस का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेम टेम्परेचर की अगर बात करें तो। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, ज़्यादा कौन जलाएगा, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा, है ना। तो एनर्जी की बात करते हैं, तो बॉइलिंग वाटर और स्टीम की दोनों की टेम्परेचर से हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टीम में वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। तो लेटेंट हीट वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो सीवियर बर्न होती है। देन स्टीम एट 270 डिग्री केल्विन हैज मोर हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन बॉइलिंग वाटर एट 270 डिग्री केल्विन, देयरफॉर स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। ए बी सी डी ई को डायग्राम के हिसाब से उसको चेंज करना है, उसको स्टेट पर बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, सॉलिड को क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, गैस में, और गैस का सॉलिड में, और सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस आपस में इंटरेस्टेड चेंज हो रहा है। तो इसमें तुम्हें बताना है ए बी सी डी ई एफ क्या क्या है, कौन कौन सी घटना हो रही है। ए पे हो रहा है फ्यूजन, और फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, हीटिंग जिसे गर्म करके, या फिर उसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं। बी पर क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। सी पर गैस लिक्विड में कन्वर्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसन, कंडेंसन कूलिंग,
और डीपर डीपर वो क्या हो रहा है, कूलिंग या फ्रीजिंग, जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, जिसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। और ई ई की बात करें तो ई में सॉलिड सीधा गैसीय स्टेट में बदल रहा है विदाउट लिक्विड, लिक्विड में बदले बिना। तो ये है सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन स्टेट में क्या होता है, बीच में एक स्टेट नहीं होती है, लिक्विड स्टेट नहीं आती है। ई एंड एफ इज सब्लिमेशन।